प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। एक साधु थे जो हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे। बुजुर्ग होने के कारण जब भी गुरुजी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वे अपने शिष्य को आवाज लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य दो तीन बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आते कभी और भी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते हैं, तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को तीन चार बार आवाज लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। बालक के रूप में ईश्वर ने साधु को अपना वास्तविक रूप दिखाया। साधु रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। साधु कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं। मंद प्रारब्ध, मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध, किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, किंतु तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूं।